कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। अब 1 जनवरी 2025 से किसी भी बैंक शाखा से पेंशन ले सकेंगे। यह बात बुधवार को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कही है। आपको बता दें, सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए सैटेलाइट पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीपीपीएस से पूरे देश में किसी भी बैंक की शाखा के माध्यम से पेंशन का भुगतान हो सकेगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि सीपीपीएस ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके तहत पेंशनर्स देश में कहीं भी किसी भी बैंक और शाखा से पेंशन पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशन धारकों की समस्याओं को हल करेगी। उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को कर्मचारियों और पेंशनर्स की जरूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सैटेलाइट पेंशन पेमेंट सिस्टम से उन्होंने कहा कि अब तक 78 से अधिक ईपीएस पेंशन धारकों को लाभ होगा। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। तो वही नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय को 3 से 4 बैंकों के साथ समझौते करने पड़ते हैं। अब पैसेंजर्स को पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक शाखा जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दिया जाएगा। साथ ही इसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता रखता है। पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू करने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही, और अगर कोई और भी ताजा अपडेट आता है तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।